श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह वालों अज करोना महामारी के हालातों पर चिंता व्यक्त करदिया कहा कि देश के हालात करोना महामारी के चलदिया काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं। बीते 24 घंटिया भारत में 3.5 लाख करोना के मरीज सामने आए हैं। बीते साल तो लैके हुण तक करोना के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा दिन ब दिन वधदा जा रहा है। करोना महामारी के प्रकोप में चलदिया देश में आई ऑक्सीजन की कमी कारण भी देश के हर कोने विच लोग मर रहे हैं, जिसके चलते सरकार को चाहिए है कि वह समय रहिंदिया वध तो वध ऑक्सीजन के प्लांट मुहैया करे ता जो लोगों को जीवन दान देने वाली ऑक्सीजन की कमी किते भी सामने ना आवे। सरकार को चाहिए है कि वह सरकारी हस्पतालों के नाल नाल प्राइवेट हस्पतालों को भी ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई दे ता जो ऑक्सीजन की कमी नाल होने वाली मौतों पर अंकुश लग सके। करोना महामारी जो पिछले साल तो समुचे विश्व दे विच फैली हुई है और बहुत नुकसान लोगों का करोना महामारी के दौर विच हो चुका है। पिछले साल भी हज़ारां लोगों की मौत हुई, लखां लोग इसकी गिरफ्त विच आए और इस बार भी इस साल भी समुचे संसार भर विच करोना का प्रकोप जिहड़ा है वह बहुत ज़्यादा है और खास करके जेकर आप हिंदुस्तान की गल करिए तो हिंदुस्तान दे विच कल दे 24 घंटिया दरम्यान जो खबर ने 3.5 लाख तो ज़्यादा मरीज करोना वायरस की लपेट में आए हैं। बहुत सारिया मौत हिंदुस्तान दे विच रोज़ हो रही हैं और बड़ी दुखदाई जिहड़ा पक्ष है वह साढ़े सामने ये आ रहा है कि सरकार वालों हस्पतालों दे विच जिहड़ी ऑक्सीजन है जिहड़ी एक मरीज़ वास्ते बहुत लोड़ींदी है वह जिंदगी दे सकती है वो ऑक्सीजन गैस की जिहड़ी बहुत वड्डी कमी पाई जा रही है। पिछे दिल्ली में भी मौत हुई कमी करके और अमृतसर के एक हस्पताल भी ऑक्सीजन गैस की कमी करके 6 मौत हुई। पता लग्या कि सरकार वालों जिहड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस है वो सरकारी जिहड़े हस्पताल ने उन्होंने दी जारी कि देनी चाहिए है ठीक है, लेकिन सहूलतों की घाट करके लोग जिहड़े ने वो प्राइवेट हस्पताल वाल ज़्यादा गौर करते हैं, उत्थे जाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। पर सरकार वालों प्राइवेट हस्पतालों ऑक्सीजन की जी सप्लाई है वो बिल्कुल नहीं दी जा रही, बंद की जा रही है। सरकार को चाहिए कि वो तो वो ऑक्सीजन के जोड़े प्लांट ने वो लाए जाए, ऑक्सीजन पैदा की जाए और ये ऑक्सीजन जी है लोगों के जीवन के नाल जुड़ी हुई है और छेती तो छेती जी सप्लाई है ऑक्सीजन की ये सारे जोड़े हॉस्पिटल ने उन्हें तक पहुँचाई जाए ता कि जोड़े जिंदगी मौत की लड़ाई मरीज लड़ रहे हैं वो तंदुरुस्त होकर अपने घर वा सकन। लगता नहीं लॉकडाउन के इशारा किया जा रहा है, फिर लॉकडाउन के हालात बन रहे लगन पंजाब। देखो सरकारां जो हदायतां कर दियां ने सानू उत्ते अमल करना चाहिए और सरकारी हदायतों के मुताबिक सानू चलना भी चाहिए। जेकर लॉकडाउन लाउणगे तो लोग तो पहला ही गुरबत के नाल बड़ा जूझ रहे हैं, जिहड़ियां साडियां जिहड़ियां वस्तां ने रोज़मर्रा दियां असीं उस तों महरूम हुंदे जा रहे हैं। लॉकडाउन बहुता वड्डा हल नहीं हैगा, लॉकडाउन बहुत ज़्यादा परिस्थिति बिगड़ जाए तो सरकार को लाना चाहिए और सानू लोगों भी सरकार की सहायता करनी चाहिए है कि असी सरकार दित्तियां हदायतों के मुताबिक चलीए, अपने घरों में बंद रहिए। जेकर बाहर जाने की लोड़ नहीं है तो सानू अपने घरों तो बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अपने आसे पासे की साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपने हाथों को बार बार साफ करना चाहिए, जो सोशल डिस्टेंस है सानू वह भी रखना चाहिए ताकि असी इस महामारी तो सारे बच सकी।